चार बजने वाले हैं सुबह के, बट अभी तक ट्रेन नहीं आई है। और मेरे साथ देख लो कौन जा रहा है, देखो हंस रही मेरे पे। अच्छी तगड़ी वाली वाइब आ रही है ट्रेन में। हाँ जी, गली से बाहर निकलना मार्केट आ जाएगी पूरी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आ रखा था ना इधर उत्तराखंड, तो आज मैं घर जा रहा हूँ। बाकी अभी मैं सहारनपुर पहुँचा हूँ और मैंने सोचा कि वैष्णो माता के भी चले जाएंगे और साथ में मेरी भर्ती है उधर भी मैं जाऊँगा। बाकी अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई है। और अभी टाइम पता है, मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम हो गया है। ये देखो टाइम क्या हो रहा है, 4 बजने वाले हैं सुबह के, बट अभी तक ट्रेन नहीं आई है। और मेरे साथ देख लो कौन जा रहा है, ऋतु जा रही है और मेरे से गुस्सा हो रखी है ये पूरी। है ऋतु गुस्सा हो रखी हो है? अरे नहीं हो यार, नहीं हो। बहुत यार बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ट्रेन में, क्योंकि यार ट्रेन ना रात को ही चलती है। और हमने इधर पता कितने टाइम से बैठ रखे हैं, कोई 12 या 11 बजे करीब आ गई थी गाड़ी, तब से हम इधर ही बैठ रखे हैं, अभी तक ट्रेन नहीं है। तो चलिए चलते आगे अपने सफर पे सुहाने। बाकी अभी तो नींद भी आने लगी है, मैं सोया नहीं हूँ, ऋतु तो सो गई। बाकी इधर भी एक ट्रेन खड़ी है और पीछे भी आपको एक ट्रेन दिख रही होगी, ये पता नहीं कौन से, दिल्ली एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन का मैं आपको नाम बताता हूँ, प्रयागराज धूमपुर एक्सप्रेस, वो ट्रेन है हमारी। वो अभी लेट डिले हो गई है, कोई 2 घंटे के लिए डिले हो गई है ट्रेन। वो 2:30 बजे पहुँच जाती है, 3:30 होने लगी है, लेकिन अभी तक नहीं पहुँची है। और चलिए करते हैं वेट। और जो कल का लोग आपको देखने को मिलेगा ना, वो वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर भी मिलेगा देखने को। ऋतु भी जाएगी वैष्णो देवी के, स्पेशल ये माता जी के लिए आ रही है उधर जम्मू, तो ये उधर जाएगी। लेकिन कल ना परसों मेरी भर्ती है 17 तारीख को, तो मैं पहले भर्ती देख लूंगा, फिर ये ना होटल में रुक जाएगी, फिर हम दोनों ही चल लेंगे। अगर हुआ भर्ती तब भी ठीक है, माता रानी पे है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऋतु ना एक बात मेरे को बोलती है कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ऋतु क्या है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। A few moments later. तो गाइज आ गई हमारी ट्रेन, वो देखो वो आ रही 224, इसका कुछ नंबर है वो आपको दिख रहा होगा 22431 कुछ ऐसा नंबर है ट्रेन का। तो चलिए बैठते हैं ट्रेन में, हमारी ना स्लीपर की सीट है। तो ऋतु की S2 में और मेरी S1 में, S1 मुझे लगता है फर्स्ट नंबर पे है मेरी सीट। और इधर का सीन कुछ ऐसा है देखो, जम्मू जाते हुए तीसरी बार जम्मू जा रही है। Seven hours later. तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग प्यार भरा। रात को ना व्लॉग शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी उस टाइम, और ट्रेन में थोड़ा हमें दिक्कत भी हो गई थी, सीट नहीं मिल रही थी, तो मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी। बाकी अभी मैं सुबह व्लॉगिंग कर रहा हूँ, रात को अच्छी वाली नींद ले ली। झटका लग गया, ट्रेन चल रही है ना तो झटका लग रहा है। सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग कर दो, कर दो गुड मॉर्निंग, कर दो। क्यों, लेट मॉर्निंग है तेरी? नहीं। अच्छा, और ऋतु देख लो नंगे पांव जा रही माता के। अभी हमारी ट्रेन चल पड़ी है, जलंधर से चल पड़ी है। बाकी कुछ जलंधर का ऐसा सीन है देख, ये मुकेरियां पड़ गया ना जलंधर के आगे जो पड़ता है, कुछ ऐसा सीन है। सुबह सुबह का मस्त वाली ना, बहुत अच्छी तगड़ी वाली वाइब आ रही है ट्रेन में ना। वीडियो बनाने ही लगी है सुबह से, कभी लाइव आ रही है, कभी वीडियो बना रही, कभी कुछ कर रही है। हमारा ये वाला कोच है, मैं आपको सीट दिखाता हूँ, कुछ ऐसी सीट है हमारी। एक सीट हमारी उधर भी थी आगे, लेकिन उस सीट में हम बैठे नहीं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इधर बैठे, फोन मत गिरा देना नीचे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये जो हमारी टिकट थी ना, वो स्लीपर की थी। बाकी ना स्लीपर में बहुत अच्छी सफाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो मिरर में थोड़ी कम सफाई है, लेकिन वॉशरूम में भी मैं गया नहीं, देखते कैसी सफाई है। कुछ इस तरह का वॉशरूम है देखो स्लीपर का, तो सही है यार। 400 की हमें टिकट पड़ी, 2 टिकट हमने करवाई। देख लो कुछ ऐसा ऐसा सीन है। बाकी ये S2 है स्लीपर, और ये S3 होगा आगे, S1 आगे है इससे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी ट्रेन फुल स्पीड में, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।
बाल उलझे जाएंगे सारे। यार हवा है, फोन ना शूट, फोन शूट देख लीजिए इधर है मेरे को। आगे मैं आपको बताता हूँ कितना रह गया। जलंधर से आगे पहुँच गए थे, इसके बाद ना सीधी पठानकोट रुकेगी, पठानकोट कैंट रुकेगी ट्रेन हमारी, फिर उसके बाद सीधी जम्मू तभी रुकेगी, ये बीच में कहीं नहीं रुकेगी क्योंकि सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ना ये है। ये देखो हंस रही मेरे पे, मैं तो क्या बोल रहे, इसने और तो बोला कितने 70 रुपये दे दिए सुबह सुबह अभी दिया नहीं तुमको है नहीं तो ठगा नहीं ठगा क्यों उन्होंने बात ही कुछ ऐसी ऐसी बोली ना इसको, इसको मन ऐसे हो गया कि दे ही दे 100 रुपीज होते A few moments later. बाकी इधर से बहुत मजा आ रहा, देखो देखने में नए नए इलाके देखने को मिल रहे हैं। वो उधर गन्ना लगा रखा है किसी ने बहुत ज्यादा, बता देखो ना हमारे पहाड़ में कैसे होते हैं ऐसे पहाड़ जैसे इलाके, कभी नीचे को कभी ऊपर को कभी नीचे को, लेकिन इधर एक जैसे इलाके हैं। और आज ना पहली बार मैं सफ़र कर रहा हूँ दिन में ट्रेन में, नहीं तो रात में होता है मेरा ट्रेन में सफ़र। तो ये देख लो ये कुछ स्कॉल है, ग्राउंड फुटबॉल खेलने का, नहीं वॉलीबॉल खेलने का, फुटबॉल बोल रहा है। बाकी इधर रोड भी जा रही है, जलंधर की रोड है ये, पंजाब में पड़ रहे हैं जलंधर भी। वो है हमारी सीट, उधर हमने पूरा सामान रखा अपना, ये पता नहीं कितनी सीट है। अभी ना ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, पता है आप लोगों की, आते हैं जाते हैं उतरते हैं चढ़ते हैं ऐसे चलते ही रहता है, लेकिन जम्मू तभी तक ना ट्रेन मैक्सिमम खाली हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है यार इस ट्रेन में जर्नी करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी देख लो कुछ ऐसा सीन है, फाइनली हम पहुँच गए हैं जम्मू। बाकी बहुत अच्छा वाला व्यू देख लो इधर से, इतना अच्छा वाला व्यू दिख रहा है। तो कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा। अभी ना हम होटल पे जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा होटल है। भैया जी लेके जा रहे हैं हमें होटल पे। हाँ जी फर्स्ट टाइम आया हूँ ना इधर, अगर बाकी कार्टन वगैरह घूमने जाना होगा ना जैसे वो ले लेना, कोई बात नहीं देख लेंगे। फाइनली पहुंच गए, चलो